पहली बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ। केबल ब्रिज टूटने से कई लोग नदी में गिर गए हैं। लगभग 60 लोगों की मौत की खबर है। बचाव अभियान जारी है। महाराष्ट्र में भी बड़ा हादसा हुआ। महाराष्ट्र के अमरावती में दर्दनाक हादसा, इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं आज छठ पूजा की धूम रही देश भर में। मुंबई में 81 जगहों पर मनाई गई छठ पूजा, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। मुंबई के जुहू बीच पर भारी भीड़ देखने को मिली। सबसे ज्यादा भीड़ महिलाओं की थी। कारण, कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए इन महिलाओं के लिए चेंजिंग प्लेस भी बनाए गए हैं। साथ ही अस्थायी शौचालय और खाने के इंतजाम भी किए गए हैं जुहू बीच पर। गुजरात में सस्पेंशन ब्रिज टूटा, 60 लोगों की मौत। 2 करोड़ में हुआ था रेनोवेशन, दिवाली के एक दिन बाद खुला था। छठ पर सीएम का भोजपुरी अंदाज, बोले माई की कृपा बनल रहे। ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए घाटों पर पहुंचे सुहागिने और डूबते सूर्य को दिया अर्घ। 3 फीट के दुल्हे को मिली दुल्हन। कैराना के अजीम मंसूरी की शादी तय। 3 फीट की लड़की के साथ 7 नवंबर को पढ़ेंगे निकाह। 13 साल बाद वर्ल्ड कप में अफ्रीका से हारा भारत। डेविड मिलर ने खेली लगभग 60 रनों की शानदार पारी। सूर्या के 68 रन काम नहीं आए। बदनी बोले, हमारे बच्चे दंगा नहीं करते। देवबंद में कहा, मदरसों में शिक्षा कुरान में से होगी, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। 4 विधायक को 100 करोड़ ऑफर हुआ। तेलंगाना के सीएम का आरोप, दिल्ली के दलाल हमारे एमएलए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नवी मुंबई में पेड़ों के लिए 9 नवंबर से होगी सुनवाई। एनएमएमसी ने जारी किया नोटिस। भारतीय रेलवे के लिए मवेशी बन रहे मुसीबत। 9 दिनों में 200 ट्रेनों पर लगा ब्रेक। आमिर खान की मां जीनत को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती।